नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों अभी तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों 27,000 पंचायत सहायकों की संविदा सेवाएं ब्रेक, पंचायतों में काम अटके। जी हाँ दोस्तों, अनुबंध में अटकी रोजगार की आस। 27,000 पंचायत सहायकों की संविदा सेवाएं ब्रेक, पंचायतों में काम अटके। जी हाँ दोस्तों, पूरी न्यूज़ क्या है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सरकार ने चुनाव में संविदा कर्मियों को समायोजित कर स्थायी करने का वादा किया था, लेकिन संविदा कर्मचारियों को अपना कार्यकाल बढ़वाने के लिए जगह जगह धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यालय में जिला परिषदों के जरिए प्रदेश भर में लगाए गए पंचायत सहायकों का अनुबंध एक बार तो बढ़ा, लेकिन अब उनकी नौकरी का अनुबंध नहीं बढ़ाया गया है। पंचायत सहायकों का गत 19 मई को कार्यकाल पूरा हो गया। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश कार्यकाल बढ़ाने का नहीं दिया गया, इस कारण 27,000 पंचायत सहायकों पर तलवार लटकती नजर आ रही है। दो विभागों के अधीन है पंचायत सहायक। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायतों में नियुक्त ग्राम पंचायत सहायक वर्तमान में दो विभागों में कार्यरत हैं। ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी व ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी के रहकर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, भामाशाह कार्ड वितरण, मनरेगा आदि के कार्य भी सक्रिय रूप से भागीदारी द्वारा निभाए जा रहे हैं। वहीं स्कूलों में भी शिक्षण सहित विभिन्न कार्य संपादित किए जा रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नेमाराम चौधरी ने बताया कि सहायकों की संविदा सेवाएं ब्रेक नहीं होंगी, सरकार को जल्द ही रुख स्पष्ट कर अनुबंध बढ़ाने के आदेश जारी करने होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।